नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। बड़ बोले अरविंद केजरीवाल, चुप राहुल गांधी, लेकिन दोनों से परेशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह हम नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी का हाल का गुजरात दौरा और उनकी सभाओं में दिए गए भाषण कह रहे हैं। कैसे, ये बताने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल तो चलो गुजरात जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, साथ साथ गारंटी योजना सामने रख रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था और मैं कंस का वध करने आया हूं। तो ऐसे केजरीवाल से तो परेशान होना ज़रूरी भी है, लाजमी भी है। उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, खासतौर से दिल्ली में जैसा बीजेपी को उन्होंने बैकफुट पर डाल दिया है, उससे नरेंद्र मोदी का परेशान होना ज़रूरी है। लेकिन होना भी चाहिए, एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार की नज़र में होना भी चाहिए। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, लेकिन खासतौर से अगर दुश्मन अरविंद केजरीवाल जैसा हो तो। लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी से क्यों परेशान है? वो तो जा भी नहीं रहे गुजरात। उनकी तो पार्टी भी ऐसा लग रहा है जैसे हार चुकी हो चुनाव। वो कोई धरना नहीं कर रहे, कोई रैली नहीं कर रहे, कोई विरोध प्रदर्शन बड़ा नहीं हो रहा, कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी उनका कांग्रेस की खामोशी का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसे खतरनाक बता रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? बड़बोले केजरीवाल भी खतरनाक है मोदी की नज़र में और चुप राहुल गांधी और उनकी पार्टी भी खतरनाक है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में। ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन अर्बन नक्सलियों की बात जिस ढंग से की, उससे साफ साफ इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था कि ये लोग वापस आए हैं, नए सिरे से आए हैं, नया चोला नए गेटअप के साथ आए हैं। आदिवासी इलाकों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ये जो अर्बन नक्सली हैं, ये विकास के दुश्मन होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में विकास के दुश्मन होते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, कि जहां उन्होंने नक्सलियों के हाथ में बंदूकें थमा दी और मैंने बड़ी मुश्किल से गुजरात में नक्सलवाद को नहीं आने दिया, बहुत सारी बातें कही। तो आखिर ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले ये भी बात सामने आई थी कि प्रोजेक्ट किया गया, ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल तो मेधा पाटकर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकते हैं। इस पर केजरीवाल ने शार्प रिएक्ट किया, ये तो वही बात हुई जैसे कि बीजेपी सोनिया गांधी को अपना प्रधानमंत्री बना सकती है। तो इसका कोई जवाब आईटी सेल बीजेपी के पास नहीं था और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म नहीं होती है, आगे बढ़ती है। गुजरात में आखिर क्यों सबसे ज़्यादा पोस्टर दिखते हैं अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम टोपी पहने हुए, जबकि दिल्ली में उनका एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कुछ दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा की तरफ ले जा रहे थे, बौद्ध धर्म अपनाने की तरफ ले जा रहे थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो 12 एक तरह से सूक्तियां हैं, कह सकते हैं प्रतिज्ञाएं हैं, उनका उच्चारण कर रहे थे, उनका अनुसरण कर रहे थे, कुछ नया अपनी तरफ से नहीं कर रहे थे। फिर भी तो बड़ा सवाल उठता है। दरअसल कुछ लोग कहते हैं कि 27 साल से बीजेपी वहां जीत रही है और एक ही स्ट्रेटेजी, वही गुजरात अस्मिता, वही गुजरात मॉडल, वही गुजरात के लोगों के लिए जान निछावर करना, वही गुजरात की नजरों के लोगों की नज़र में कांग्रेस को बिल्कुल विकल्पहीन पार्टी साबित कर देना कि ये तो सत्ता में आ ही नहीं सकते, आएंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में सुधार नहीं ला सकेंगे, इन्होंने गुजरात का कबाड़ा किया था इसलिए आप हमें सत्ता में लाए और इन्हें भूल कर दोबारा सत्ता में लाने की गलती मत करना, इसी स्ट्रेटजी पर लड़ती रही। लेकिन अब मोदी की पिच पर केजरीवाल उतर गए, रेवड़ियों के सहारे उतर गए, साथ साथ गारंटी देने के सहारे उतर गए, जय श्री राम का नारा लगाकर उतर गए, भारत माता की जय का नारा लगा के तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रवाद और हिंदूवाद और तमाम वो चीज़ें लेकर उतर गए, दिल्ली मॉडल को ले आए गुजरात के अंदर। जैसा मोदी गुजरात मॉडल को देश भर में लेके गए, वैसे दिल्ली मॉडल को उन्होंने कहा कि देखिए हमने पंजाब तक पहुँचा दिया और पंजाब के बाद अब गुजरात में ला रहे हैं दिल्ली मॉडल। और लोगों को शायद 27 साल बाद जो नाराज़गी थी वो तो थी अपनी जगह मोदी जी के खिलाफ, जो नाराज़गी है फिर भी वो बीजेपी को एक बड़ा तबका वोट दे देता है, 27 साल से देता आ रहा है। लेकिन क्या केजरीवाल अब कह रहे हैं कि साहब आपकी नाराज़गी अब विकल्प के रूप में सामने आ रही है? पहले आपके पास विकल्प नहीं था,
फिर वो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को देखिए, बीजेपी क्या कांग्रेस को तोड़ती रही, कांग्रेस के विधायक हर जगह तोड़ती रही, और इसी बात का इस्तेमाल बड़ी चलाकी से, बड़ी चतुराई से केजरीवाल अब मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब देखिए आप कांग्रेस को वोट ही क्यों देते हो, कांग्रेस का विधायक तो बीजेपी में चला जाएगा, इसलिए आप हमें वोट दो, अगर आपको मोदी को हराना है तो सिर्फ हमें यानी आम आदमी पार्टी को ही वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब मत कीजिए, एक तो आपका वोट खराब हो जाएगा, फिर आपका दिल टूट जाएगा जब वो विधायक बीजेपी में चला जाएगा। तो बीजेपी की ऑल इंडिया लेवल पर जो स्ट्रेटजी थी वही उस पर उल्टी पड़ सकती है अगर केजरीवाल का दांव चल गया गुजरात में। आप समझ रहे हैं कहानी, इसलिए नरेंद्र मोदी बहुत परेशान है। कुछ लोग गुजरात के बड़े सीनियर पत्रकार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी भी प्लान बी लेकर चले ही नहीं, क्योंकि प्लान ए हमेशा सफल होता रहा। प्लान ए में जो मैंने आपको चीजें बताई, और साथ साथ प्लान ए में ये भी रहता था, कुछ लोग कहते हैं अहमद पटेल थे तो उनके साथ भाईचारा था, इस किस्म का पॉलिटिकल भाईचारा था कि लोकसभा चुनाव में आधी आधी सीटें हो जाएंगी, विधानसभा चुनाव में भाई आप परेशान मत कीजिए, ज़्यादा जोर मत लगाइए, और जोर भी लगाना है तो ग्रामीण इलाकों में कुछ लगा लीजिए, शहरी इलाके हमारे लिए छोड़ दीजिए, यानी विधानसभा में बीजेपी कब्जा में है। मोदी के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि अगर वो गुजरात हार गए तो 2024 में देश कैसे जीतेंगे। दूसरी बड़ी चिंता है कि अगर त्रिशंकु की स्थिति रही, यानी सबसे बड़ी पार्टी लेकिन बहुमत से दूर रहे, तो भी फिर 2024 जीतना मुश्किल हो जाएगा, उसमें बहुत सारे इफ एंड बट, किंतु परंतु अगर मगर सब सामने आ जाएंगे। तीसरी बड़ी चिंता है कि फिर आम आदमी पार्टी का इतना प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो रहा है, एक ही साल में दो दो जगह, यानी पंजाब जीती कांग्रेस बीजेपी को तो नहीं थी, कांग्रेस को पूरी तरह से हरा कर आम आदमी पार्टी, और अब क्या ही मैं गुजरात भी जीत जाएगी, तो इसलिए हो रहा। और अब कहेंगे कि फिर कांग्रेस जो चुप बैठी है उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं, या उसके खिलाफ लोगों को क्यों जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, या वो ये क्यों कह रहे हैं कि साहब देखिए कांग्रेस की पुरानी स्ट्रेटजी है, एक वक्त था जब वो हल्ला मचाते थे, उससे पहले एक वक्त था जब वो खामोश हो जाते थे, चुपचाप गाँव तक पहुँचते थे, चुपचाप गाँव में अपने चुनाव के प्लानिंग को ले जाते थे, और अब वो यही हथकंडा अपना रहे हैं जिससे गांव के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आखिर मोदी ये बात क्यों कह रहे हैं। फैज साहब का एक शेर है कि वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो मोदी कहना ये चाह रहे हैं गुजरात की जनता से कि उन अगर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी सक्रिय है, कांग्रेस मर नहीं गई है, कांग्रेस हाशिए पर नहीं चली गई है, कांग्रेस जिंदा पार्टी है, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि एंटी बीजेपी वोट एक तरफा आम आदमी पार्टी की झोली में चला जाए, वो ये चाहते हैं कि एंटी बीजेपी वोट, एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बट जाए, जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिल जाए। और अगर लोगों को लगेगा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस चुप बैठी हुई है, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं, कांग्रेस चुनाव में उतरने से पहले ही चुनाव हार गई है, तो वो वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, उसका पूरा का पूरा वोट एक तो बीजेपी के पास चला जाए, आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा, और दूसरा जो फेंस सिटर है जो अंतिम समय में तय करता है, वो भी उसका भी एक बड़ा हिस्से का झुकाव अगर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया तो खेल हो सकता है, बीजेपी की सांसें सांसद में आ सकती हैं। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो बीच बीच में बीजेपी के नेता कहते थे कि भाई आप लोग मायावती की पार्टी को कम करके मत आंकिए, मायावती की पार्टी भी रेस में है, मायावती की पार्टी भी तगड़ा चुनाव लड़ रही है, आपको लग नहीं रहा, वो लोग शोर नहीं करते, उनका कार्यकर्ता समाजवादियों की तरह हल्ला नहीं मचाता, लेकिन चुपचाप लड़ रहा है, चुपचाप इन रोड्स कर रहा है, बूथों पर कब्जा कर रहा है, इस तरह की बातें किया करते थे ताकि मायावती को भी क्या जो वोटर है वो कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ ना चला जाए जो योगी से नाराज है। तो यही स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश गुजरात में हो रही है अभी से, और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसका मतलब डर है। चलो डर एक भारी शब्द है, इसको हम हटा देते हैं, परेशानी है, माथे पर बल है, आपकी जो रणनीति है
वही रणनीति आपकी भी है। आप यानी बीजेपी की जो रणनीति है वही आम आदमी पार्टी की भी रणनीति है, तो उससे भी उसका भी एक अलग तरीके से तोड़ निकालना है। आपको ध्यान होगा कि अभी जो दिल्ली का मामला था राजेंद्र पाल गौतम का, जिसमें उन्होंने डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जो 12 प्रतिज्ञाएं थी वो याद दिलाई, और कुछ दलित थे उनको एक तरह से बौद्ध धर्म अपनाया गया, तो उसी का जो रिएक्शन गुजरात में हुआ, और सिर्फ गुजरात में हुआ और बड़े तगड़े ढंग से हुआ, वो क्या शो करता है? वो भी यही शो करता है कि परेशानी कुल मिलाकर केजरीवाल से है, केजरीवाल की हिंदूवादी छवि से है, और मकसद था कि हिंदूवादी छवि केजरीवाल की तोड़ी जाए। केजरीवाल इस चाल को समझ गए कि क्यों उनकी मुस्लिम टोपी पहने हुए तस्वीरें लग रही हैं, क्यों उन्हें हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, तो उन्होंने दलित हितों को दरकिनार कर दिया एक राजनीतिक रणनीति के तहत। डॉक्टर अंबेडकर को भी थोड़ा हाशिए पर डाल दिया एक राजनीति रणनीति के तहत, और कहना शुरू कर दिया, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, कृष्ण जन्माष्टमी में पैदा हुआ हूँ, कंस का वध करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ये सारी बातें करनी शुरू कर दी। तो ऐसे शख्स को कैसे घेरा जाए, और घेरने का कोई मौका नहीं चुका जाए, इसलिए भी शायद अर्बन नक्सली शब्द को एक बार वापस लाया गया है, वापस जिंदा करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। ये चाल कितनी कामयाब होती है या इस चाल का क्या तोड़ निकालते हैं अरविंद केजरीवाल, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।